वेलकम टू दी सेकंड वीडियो रिलेटेड टू लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और हम किस तरह जो है पेपर को रीड आउट कर सकते हैं, उसमें से जो है किस तरह जो है लिटरेचर को कंटेंट को जो है वो लिख सकते हैं और फिर किस तरह उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, यानी हाउ कैन वी अडॉप्टिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन योर रीडिंग्स। ये हमने वीडियो वन में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर ऑन द वीडियो टू व्हिच इज रिलेटेड टू लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर कॉन्टेंट क्या होना चाहिए, वट कॉन्टेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द लिटरेचर रिव्यू। तो एक तो ये हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे क्या जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है वो लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकल है या नहीं है। तो ये दो चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जो है इन दो चीजों को जो है डिस्कस करते हैं अपनी जो वीडियोज है उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ये दो चीजें किस तरह जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम जो है इस पिक्चर के थ्रू जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम जो है हमारे पास जब हम लिटरेचर कर रहे होते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर ही जो है हम उसको लेके चलते हैं और हम जो है उस लिटरेचर को रिव्यू करते हुए जो है वो हमने आगे बढ़ना होता है। जब तक हम प्रॉपर लिटरेचर को रिव्यू ना करें, हमें कंटेंट जो है वो कौन कौन सा उसमें शामिल करना होता है ये बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट कंटेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत जरूरी है किसी भी नए रिसर्चर को समझने के लिए कि अब लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे क्या, क्या चीजें इंक्लूड होंगी लिटरेचर रिव्यू के अंदर। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में हम क्या जो है लिखेंगे। तो हमारा जो है आज का यही टॉपिक है सेकेंड वीडियो के अंदर, द कॉन्टेंट ऑफ द क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू का जो कॉन्टेंट होगा वो क्या होगा। आपने जो है रिसर्च में ये सीखा होगा या सीख लिया होगा कि रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक इफ यू डू नॉट हैव रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस, आप उस रिसर्च को फर्दर आगे लेके बढ़ नहीं सकते। पूरी रिसर्च जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जो आपका लिटरेचर है वो लिटरेचर जो है प्योरली बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। लिटरेचर तो बहुत है, हजारों लाखों पेपर्स हैं जो लिखे जा चुके हैं, लेकिन आपने जो अपना लिटरेचर लिखना है दैट शुड बी रिलेटेड टू रेलेवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं, जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए हैं, उन रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही आपका लिटरेचर होना चाहिए। क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आमतौर पर जो है एक दूसरे का अक्स होते हैं। जो चीज क्वेश्चन में डिस्कस हो रही होती है वही चीज आमतौर पर ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हो रही होती है, ओवरलैप हो रही होती है चीजें क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव को ले लें या क्वेश्चन को ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल इन दोनों में से क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में से कम किसी एक चीज को सामने रखकर आप अपना लिटरेचर को लिखना शुरू करें कि आपके क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी जा रही है, आपके ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें पूछी जा रही है। फर्ज करो कि आपके क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मोटिवेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला लिटरेचर होगा वो मोटिवेशन के ऊपर होगा। आप दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड इम्प्लाई परफॉर्मेंस, तो फिर आपका लिटरेचर जो है एसोसिएशन बिटवीन मोटिवेशन एंड इम्प्लाई परफॉर्मेंस पर होना चाहिए। यानी ऐसे रिसर्च पेपर आप आइडेंटिफाई करेंगे जो एसोसिएशन पर लिखे गए हों। अब उनमें एसोसिएशन है या एसोसिएशन नहीं है, ये दोनों चीजें जो है जिस जिस पेपर में एसोसिएशन है वो आप लिख देंगे, जिस पेपर में एसोसिएशन नहीं है वो आप लिख देंगे। तो आपने जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन के लिए उसी से रिलेवेंट लिटरेचर जो है आपने लेना है। उसके अलावा नंबर टू जो है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि आप उसके अंदर जो थ्योरीज है उनको रिव्यू करें। मोस्ट रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट थ्योरीज को आप रिव्यू करें और उनको रिव्यू करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद आप उनको रिलेट करें विद योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो थ्योरी मोस्ट रिलेवेंट हो
मोस्ट सिग्निफिकेंट हो विद योर रिसर्च क्वेश्चंस, आप उस थ्योरी को अडॉप्ट करेंगे और फिर उस थ्योरी को जो है वो लिखेंगे कि वो थ्योरी कब स्टार्ट हुई, वो थ्योरी किसने लिखी और उस थ्योरी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी रिसर्च के अंदर ये थ्योरी इस्तेमाल हो चुकी है, और अब आपके इस रिसर्च पेपर से रिलेटेड, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ये थ्योरी कैसे रिलेवेंट है और क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट है कि आप बाकी सारी थ्योरीज को छोड़कर इसी थ्योरी को जो है आप अपने रिसर्च पेपर के साथ रिलेवेंट कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ये आपके टॉपिक से बहुत ही रिलेवेंट है, तो आपने उसकी रिलेवेंसी बतानी है कि किस तरह ये थ्योरी जो है आपके टॉपिक से रिलेवेंट है और सिग्निफिकेंट है, बाकी थ्योरी की निस्बत ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। थ्योरी बाज़ दफा एक रिसर्च पेपर के अंदर एक थ्योरी जो है वो रिलेवेंट होती है, कुछ रिसर्चर्स में एक से ज्यादा थ्योरीज भी आप एट ए टाइम जो है रिलेवेंट हो सकती है, दो थ्योरी तीन थ्योरी भी आप किसी एक पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन उनकी लॉजिक होनी चाहिए, उनकी रीजंस होनी चाहिए कि व्हाई यू आर यूजिंग मोर देन वन थ्योरी। तो आप मोर देन वन थ्योरी से क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे आपने बताना होगा कि किस तरह जो आपका फ्रेमवर्क है, रिसर्च फ्रेमवर्क, वो किस तरह जो है आपके थ्योरी को थ्योरीज के बेस पे खड़ा हुआ है, कौन कौन सी थ्योरी के बेस पर आपका जो रिसर्च फ्रेमवर्क है वो बेस कर रहा है। उसके बाद मोस्ट रिलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट लिटरेचर। अब ये मोस्ट रिलेवेंट क्या है, मोस्ट रिलेवेंट से मुराद ये है कि हमने जैसे डिस्कस किया है कि रिलेवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आपके रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, और फिर सिग्निफिकेंट से क्या बोला, सिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि आपके पास ऐसे रिसर्च पेपर के लिटरेचर होने चाहिए जो कि रिनाउंड रिसर्च पेपर हो, जो कि मशहूर पब्लिशर्स के जो रिसर्च जर्नल्स हैं वहां पे लिए गए हैं, या क्लैरिवेट एनालिटिक्स इंडेक्सिंग में वो मौजूद हो, स्कोपस इंडेक्सिंग में मौजूद हो, अगर लोकल लेवल पे पाकिस्तान से लेने हैं तो वो HEC हायर एजुकेशन कमीशन की अप्रूव लिस्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो तभी जाकर आप जो है वो लिटरेचर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। अगर आपने उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट जर्नल से अगर आपने नहीं लिए, जो रिनाउंड जर्नल है उनसे आपने लिटरेचर नहीं लिया, तो आपका लिटरेचर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर आपको लिटरेचर को मीनिंगफुल बनाना है, उसे सिग्निफिकेंट बनाना है, तो डेफिनेटली यू शुड रिव्यू योर लिटरेचर फ्रॉम द टॉप रिसर्च जर्नल्स, जिसमें मैंने चार पांच रिसर्च जर्नल के रिसर्च जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं, दो को मैंने आपको बहुत टॉप के नाम बताए, जिसमें आपके पास जो है क्लैरिवेट एनालिटिक्स है और नंबर टू जो है वो आपके पास स्कोपस है। उसके अलावा जो है आप पाकिस्तानी किसी उसको करना चाहे देन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय HEC, बट उसके बावजूद भी आपको इंटरनेशनल जो मशहूर पब्लिकेशन एजेंसीज है उनको आपको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेलर फ्रांसिस है, सैज पब्लिकेशन है, एल्सवियर है, एमरल्ड है, और इस तरह की बहुत रिनाउंड जो है वो हमारे पास पब्लिशिंग एजेंसी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिनाउंड पब्लिशिंग मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर जो है वो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये बहुत ही रिनाउंड जो है वो हमारे पास पब्लिशिंग एजेंसी है जो कि रिसर्च जर्नल पब्लिश करते हैं। तो इन से आपने लिटरेचर आइडेंटिफाई करना है, इनसे आपने जर्नल को लेना है और उससे फिर रिलेवेंट आर्टिकल आपने जो कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो उनको निकालना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। देन दी सेकंड लास्ट इज दी इंक्लूड अप टू डेट लिटरेचर। लोग क्या करते हैं कि पिछले जो है आज से चार साल पांच साल पुराना लिटरेचर उसमें शामिल करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में वो भी आप शामिल करें, बट आपको स्टार्ट से लेकर लेटेस्ट जो लिटरेचर है उसको ज्यादा इंक्लूड करें। जैसे कि आजकल 2020 चल रहा है, 2020 से आप लिटरेचर लें, 2019 से आप लिटरेचर लें, 2018 17 15 तो पिछले पांच साल का जो लिटरेचर है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा लेटेस्ट लिटरेचर, उतना आपका जो पेपर है उसकी वर्थ बनेगी, उतना आपके थीसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ये इसने लिटरेचर लेटेस्ट लिटरेचर के ऊपर काम किया, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो उसको लेटेस्ट लिटरेचर सपोर्ट करेगा, सिग्निफिकेंट लिटरेचर सपोर्ट करेगा, तो वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेफरेंस ऑल द लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अब रेफरेंसिंग जो है लिटरेचर की मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है, जिसमें जो है मुख्तलिफ स्टाइल्स है, जिसमें APA स्टाइल है, पाकिस्तान में
सबसे ज्यादा मैनेजमेंट साइंसेज में एपी स्टाइल इस्तेमाल होता है, दुनिया भर में एपी स्टाइल की ज्यादा जो है अहमियत दी जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एमएलए स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, और बहुत सारे जो है हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल है। उनको जो आपका रिसर्च जर्नल आपको रिकमेंड करे, जिसमें आप पेपर छापने के लिए जा रहे हो कि इस जो है रेफरेंसिंग स्टाइल के ऊपर आपने पेपर लिखना है, तो आपको उसी रेफरेंसिंग स्टाइल के ऊपर ही पेपर लिखना होगा। जो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर रही है रेफरेंसिंग स्टाइल, उसी रेफरेंसिंग स्टाइल को उसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए आपने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है। उससे हटकर करेंगे तो वो ना तो जर्नल एक्सेप्ट करेगा उसको, और ना ही आपका जो यूनिवर्सिटीज है आपके थीसिस को जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आपको जो रिकमेंडेड जो है स्टाइल है रेफरेंसिंग का, उसे जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए। देन वी हैव इवैल्यूएटिंग वेदर योर लिटरेचर रिव्यू इज क्रिटिकल, यानी आप ये कैसे मालूम करेंगे कि जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो क्रिटिकल है, या जस्ट समराइजिंग द लिटरेचर फ्रॉम द अदर आर्टिकल एंड पुटिंग इन योर इन टू योर लिटरेचर। तो सिर्फ समरी रिजल्ट को जो है वो आपके लिटरेचर में लिखना जो है वो खाली काफी नहीं है, उसको क्रिटिकली रिव्यू करना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छे रिसर्च जर्नल में छापना है तो उसके लिए आपको उस पेपर को क्रिटिकली रिव्यू करना होगा। अब क्रिटिकल रिव्यू जो है वो क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर जो है आपको उसकी समरी के साथ साथ उसको कंपेयर और कंट्रास्ट भी करना है। यानी आप कौन सा ऐसा लिटरेचर है जिसके साथ वो एसोसिएशन उसकी हो रही है, लिंक हो रहा है, और कौन सा ऐसा है जिससे उसके एसोसिएशन या लिंक नहीं है, जस्ट अपोजिट फाइंडिंग है उनकी एक दूसरे के साथ। क्या स्ट्रेंथ है आपके उस रिसर्च पेपर जिसको आपने पढ़ा है, उसमें क्या वीकनेसेस है, इन सारी चीजों को आप जो है अपने लिटरेचर में डिस्कस करेंगे, और किस तरह वो लीड कर रहा है आपके टॉपिक की तरफ, आपके रिसर्च गैप की तरफ, तो वो लिटरेचर जो है वो क्रिटिकल होगा। तो इस यहाँ हम देखेंगे कि क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू के अंदर कौन सी चीजों को सामने रखा जा सकता है। तो नंबर वन जो है रिसर्च क्वेश्चन रिलेट टू प्रीवियस रिसर्च। तो जो रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाए हैं, डेफिनेटली ये जरूरी है कि वो आपके जो पुरानी रिसर्चेस अब तक हो चुकी हैं उन रिसर्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उन रिसर्चर से रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको लिटरेचर नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो पहली चीज आपने देखनी है कि क्या जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं रिसर्च क्वेश्चन, वो प्रीवियस रिसर्च जो है उससे रिलेटेड है या नहीं है, उस टॉपिक के ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपने क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द प्रीवियस रिसर्च पेपर आपने डिस्कस किया अपने लिटरेचर के अंदर। अगर आपने अपने लिटरेचर में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कस किया है तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट ऑफ अदर रिसर्चर। तो जो दूसरे रिसर्चर्स जो रिसर्चर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव को आपने जो है देखना है, उनको असेस करना है कि वो ऑब्जेक्टिव उनके कैसे लिखे हुए हैं, क्या उन ऑब्जेक्टिव को लेकर उनकी जो रिसर्च है उसके अंदर कोई वीकनेस है, कोई स्ट्रेंथ है, क्या उसकी मेन जो है ऑब्जेक्टिव है, और किस तरह उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने रिसर्च को ऑपरेशनलाइज किया, ये बहुत जरूरी है। देन वी हैव रिसर्च दैट इज एनकाउंटर्ड टू योर ओपिनियन। तो ऐसी रिसर्च को आपने आइडेंटिफाई, क्या आपने ऐसी कोई रिसर्च पेपर आइडेंटिफाई किया जो आपके रिसर्च पेपर से रिलेवेंट ना हो, मतलब रिलेवेंट हो लेकिन जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी ओपिनियन है, उस ओपिनियन से कोई इख्तलाफ रखता हो, कोई रिसर्च पेपर ऐसा मिल जाए जो आज ऐसा आप सोच रहे हैं वैसा वो समझे कि नहीं इसकी ये ऐसा नहीं है बल्कि इसकी जस्ट अपोजिट है, उसके ऊपर आपका एरिया फॉर न्यू रिसर्च। क्या आपने उस लिटरेचर रिव्यू को लेकर कोई रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया, कोई नया टॉपिक आइडेंटिफाई किया, तो अगर आपने उससे कोई फ्रेश इनसाइट ली है तो वो क्रिटिकल रिव्यू के अंदर आएगा। देन जस्ट योर आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंसिंग पब्लिश रिसर्च पेपर। आपने अपने आर्गुमेंट्स क्या उसके अंदर दिए, या आपने बताया है कि ये जो लिटरेचर आप लिख रहे हैं या ये जो आर्टिकल है उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, आप किस तरह उसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस सेकंड वीडियो के अंदर हमने लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड डिस्कस किए। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियो को देखकर लिटरेचर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और लिख सकेंगे।
थैंक यू वेरी मच।